टू माय चैनल प्रतिभा द निटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बिगनर्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और हमारी डिज़ाइन दो सिलाइयों में बनकर कंप्लीट हो जाती है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल से प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 15 फंदे लिए हैं, 4 के मल्टीपल से 12 प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर दो बेसिक सिलाइयाँ बनानी होती हैं इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए। उसके बाद हमने इन बेसिक सिलाइयों को रिपीट नहीं करना होता है। तो देखिए, हम बनाएंगे फर्स्ट बेसिक रॉ राइट साइड से, पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन देखिए, एक दो बार धागा लपेटते हुए एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, इस फंदे के नीचे से हम एक लूप बनाएंगे फर्स्ट होल से। यहाँ पर सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे हम फर्स्ट होल में सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक लूप बनाएंगे इस तरह से। अब इसे वापस से सिलाई पर लेंगे और हम बैक लूप से इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे सीधा बुनते हुए। देखिए, बिल्कुल इस तरह से ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एस्टिच छोड़ के हमने यही 4 फंदे रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो बार धागा लपेटते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक लूप निकालेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से ही करना है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन दो बार धागा लपेटते हुए एक दो इस तरह से। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा इस तरह से, धागा पीछे करेंगे। अब फिर यहाँ पर एक लूप निकालेंगे, लेकिन फर्स्ट होल नीचे से निकालेंगे, हमने लूप फर्स्ट होल से निकालना है, सिलाई से नहीं बुनना है इस तरह से। देखिए, और वापस से सिलाई पर लेंगे इसे और पीछे की तरफ से यानी कि बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से देखिए धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो बार धागा लपेटते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब हम यहाँ से देखिए फर्स्ट होल से सिलाई से नहीं बुनेंगे, सिलाई के नीचे जो पहला होल दिख रहा है यहाँ से एक लूप निकालेंगे इस तरह से ऐसे। ये फंदा वापस सिलाई पर लेंगे और अब इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 डिज़ाइन कम्प्लीट हुई। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो बार धागा लपेटते हुए एक दो इस तरह से सीधा बुन लिया और एस्टिच राइट साइड से सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट बेसिक रॉ कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब बनाएंगे सेकेंड बेसिक रॉ, दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। जो फंदा हमने दो बार धागा लपेट कर बुना था इसे हम स्लिप कर लेंगे, अब की बार धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, एक दो तीन। देखिए फ्रेंड्स, एस्टिच छोड़ के हमने यही 4 फंदे रिपीट करने हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। जो फंदा हमने दो बार धागा लपेट कर बुना था इसे हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एस्टिच रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेकंड बेसिक रॉ रॉन्ग साइड से कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे डिजाइन की फर्स्ट रॉ राइट साइड से। अभी जो हमने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं इन्हें हमने डिजाइन शुरू करने से पहले बनाना है, उसके बाद हमने इन 2 सिलाइयों को रिपीट नहीं करना है। अब हम बनाएंगे डिजाइन की फर्स्ट रॉ राइट साइड से। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, लेकिन दो बार धागा लपेटते हुए, एक दो सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, अब देखिए जो ये वाला फंदा है इसके नीचे यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे इस होल से, फर्स्ट होल से इस तरह से। वापस से सिलाई पर चढ़ाएंगे और पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एस्टिच छोड़ के हमने यही 4 फंदे रिपीट करने हैं।
एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो बार धागा लपेटते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फर्स्ट होल से लूप निकालेंगे और उसके बाद दो फंदों का एक फंदा करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से रिपीट करना है। देखिए इस फंदे को हमने दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बनाना है। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए सिलाई से इस फंदे को न बुनकर हम इसके नीचे जो होल दिख रहा है पहला होल, यहाँ पर सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक लूप निकालेंगे, इसे वापस से सिलाई पर लेंगे। देखिए और पीछे की तरफ सिलाई डालते हुए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए इस एक फंदे को दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पहले होल से सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, वापस से सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ सिलाई डालते हुए देखिए इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी तीन डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचेंगे, तो एक फंदा हमने देखिए दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बना लेना है और स्टिच राइट साइड से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से। देखिए कैसे करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। जो फंदा हमने दो बार धागा लपेट कर बुना था इसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स एस्टिच वाले फंदे को छोड़कर हमने यही चार फंदे रिपीट करने हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एस्टिच का फंदा रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी दो सिलाइयाँ टू रॉज कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा पैटर्न ओवर हो जाता है। फ्रेंड्स जब हम इन्हीं दो सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।